स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद, और आज जो हमारा सिलेबस है, जो हम की रिवीजन करेंगे बच्चों, वो है क्लास नाइन्थ के लिए। और जो हमारा विषय रहेगा बेटा, वो है हमारा SST सोशल स्टडीज़, या तो हम कहें सोशल साइंस। और ये बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी इंग्लिश बोथ। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पेपर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो हम आपको मैप के साथ साथ लेके चलेंगे, वाई द पिक्चर्स एंड विद कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहला हमारा जो बच्चे चैप्टर है, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम स्टार्ट करते हुए फिर हम जाएंगे सिविक। पहले हम हिस्ट्री को ले रहे हैं, तो हमारे ये कुछ पांच चैप्टर हैं जिसको हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहला हमारा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, फिर है हमारा नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर एंड द फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनलिज्म एंड पेस्टोरलिस्ट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। क्लियर है? फिर हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी हम जानेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग इंस्टीट्यूट और डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स मैंने आप सभी को पढ़ाया भी है ना, तो विद आर्टिकल आपको बताया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है हमारा। फिर हमारा आता है सिविक्स का पार्ट बेटा, जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र। ये हमारा है स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, पीपल ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का यूज़ करके हम किस तरीके से आगे अपना डेवलपमेंट करते हैं वो उसके बारे में। पॉवर्टी एज चैलेंज वो बताया जाएगा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया जो आपको बताया था, फूड सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें आपको मैंने ये भी बताया था, फूड सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रन किए हैं जिसके ज़रिए कि लोग बाग भूखे ना रहें और लोग बाग हेल्थी रहें, मतलब उसको मिनिमम जो वो है हाँ उन्हें मिलना चाहिए। हमारे स्टार्ट होगी किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या बेटा? कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक जो राजा था जिनका नाम क्या था, लुइस 16। ठीक है, अब लुइस 16 जो थे बेटा बहुत ही ज़्यादा खर्चीले, स्पेंड बहुत ज़्यादा करते थे, और कहा जाता है उनके शौक बहुत बड़े बड़े थे। इवन जो उनकी शादी हुई वो भी बहुत बड़ी क्या थी, महारानी थी। तो उनकी जो एक्सपेंस थे, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा, उनका खर्च बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, दिन प्रतिदिन उनके ऊपर क्रेडिट चढ़ता चला गया, मतलब लोन बढ़ते चले गए। किसके ऊपर? फ्रेंच रेवोल्यूशन के किंग्स के ऊपर। तो उन्होंने इस कर्ज से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तरकीब अपनाई। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सोसाइटी को तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसे हम थ्री स्टेट कहते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा है, हमारे तीन हैं इसमें, जिसको हम बोलते हैं नोबेलिटी, कैलर्जी और प्रिजेंट्स। यही बताया था मैंने आप सभी को, यही था ना, कैलर्जी और हमारा दूसरा नोबेलिटी और एक हमारा प्रिजेंट्स। तो तीन ग्रुप में से दो ग्रुपों में से किसी से भी टैक्स नहीं लिया जाता था। जो उनके ऊपर क्रेडिट हो गया था, लोन हो गया था, वो उसे चुकाने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी तैयार की, उसका नाम क्या था, टैक्स। और वो टैक्स बस किससे ले रहे थे, जब इन्होंने थ्री स्टेट्स को डिवाइड किया अपनी पूरी सोसाइटी को, मतलब फ्रेंच के रेवोल्यूशन में, तो उन्होंने ओनली एक ही लोगों से क्या किया, टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। तो ये एक तरीके से शुरुआत यहीं से डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हुई थी, और यहीं से रेवोल्यूशन की स्टार्टअप हुआ था। तो रेवोल्यूशन जब यहाँ से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि वो जो टैक्स लिया जा रहा था प्रेजेंट्स लोगों से ही लिया जा रहा था, और वो कौन सा टैक्स था, टैथ और टिले। क्लियर है? जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। टीले रिलीजियस पे भी लिया जाता था और तंबाकू को भी लिया जाता था। क्लियर है? तो थर्ड स्टेट पीपल्स को क्या लगा कि भैया सोसाइटी में क्या है, फ्रेंच में हम सभी तीन कम्युनिटी हैं, ठीक है, नोबेलिटी, कैलर्जी और प्रिजेंट्स, सो हम ही क्यों दें इसको टैक्स को। तो उन्होंने क्या किया, इसी आवाज के लिए उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। तो ये जो टाइम पीरियड था 1789 का टाइम पीरियड, जिस टाइम पे लुई सुलवा के कहते हैं यहाँ के राजा थे। तो हमारा फर्स्ट स्टेट कौन थे, कैलर्गी। कैलर्गी जो कि क्या थे, फादर ऑफ
चर्च क्या थे? दूसरे हमारे क्या थे? नोबेल्टी, जो क्या होते थे? लैंड ऑनर। क्लियर है? इसके अलावा हम बात करते हैं, उसे हम सेकंड स्टेट कहते हैं, जो कौन थे? नोबेल्टी। अब आते हैं थर्ड, थर्ड कौन थे? जो प्रीजेंट्स, जितने बड़े बिजनेसमैन, वो फार्मर्स और हमारे जितने भी लोग हैं, ये सारे थर्ड स्टेट्स में आते थे, ठीक है? और यही लोग हैं जिनसे टैक्स लिया जाता था। अब आते हैं मेन चीप कंडीशन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी ऑन द इवन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या कंडीशंस थी? क्योंकि रेवोल्यूशन किस लिए स्टार्ट हुआ भाई? बिना किसी चीज़ के कोई रेवोल्यूशन होता ही नहीं है। तो सबसे पहले मेन क्या था? एम्प्टी ऑफ ट्रेजरी ड्यू टू द एक्स्ट्रा वेस्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ द बॉर्बन किंग। बॉर्बन किंग के समय से ही क्या होता है, उसकी बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हुई थी। प्रोलॉन्ग्ड वॉर डेप्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द सपोर्ट ऑफ द अमेरिका वॉर टू द इंडिपेंडेंट। इन्होंने क्या किया था? अमेरिका के वॉर में इंडिपेंडेंट सपोर्ट किया था फाइनेंशियल, जिसकी वजह से इनके पास पैसे की कमी पड़ी। प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ राइट, इन्होंने बर्थ राइट देना शुरू किया। उसके बाद आते सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे कमी हो जाने की वजह से ये क्या हुआ, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कौन कौन से कॉजेज हैं? तो सबसे पहला कॉजेज आता है बेटा हमारा सोशल कॉजेज, सोशल डिवीजन। क्योंकि पहले क्या था फ्रेंच के, मैंने बताया ना फ्रेंच के लोगों को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था? तीन पार्ट में, जो हमने पढ़ा कौन सा? कैलर्गी, नोबेल्टी और प्रीजेंट्स। सबसे पहला कारण यही था रेवोल्यूशन का। दूसरा बर्थ प्रिविलेज, बर्थ प्रिविलेज मतलब कि बर्थ प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, उन्होंने कैलर्गी और नोबेल्टी को क्या कह दिया, ज़्यादा प्रायोरिटी दी, मतलब बर्थ के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिली, वो टैक्स देंगे ही नहीं, देगा कौन? प्रीजेंट। तो इसके बेस पर क्या हुआ, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये किसका पार्ट है? सोशल कॉजेस का। फिर आते हैं पॉलिटिकल कॉज, वीक रूलर, रूलर क्या थे? वीक थे। दूसरा क्या था? पुअर पॉलिसीज ऑफ लुइस 16, लुइस सोलवा की जितनी भी जो पॉलिसी वो क्या थी, बिल्कुल ही पुअर थी। पुअर कहने का मतलब उसकी पॉलिसी अच्छी थी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन वाली थी, मतलब कि भेदभाव वाली थी, जबी तो भाई वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। फिर आते हैं इकोनॉमिक कॉजेस, एम्प्टी ऑफ ट्रेजरी, मतलब कि उसका पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो क्या था, बिल्कुल ही खराब। बैड हार्वेस्ट, मतलब यहाँ तक कि वहाँ पे खाने वाने के बांधे पड़े हुए थे। इसके अलावा प्रपोजल ऑफ द इंक्रीज इन द टैक्स, उन्होंने क्या किया, प्रपोजल रखा किसका, टैक्स का, 1789 में। सेकेंड इंसिस्टेंस ऑफ द लुई 16 ईस्टेट वाइज द वोटिंग ईस्टेट जनरल, मतलब ईस्टेट जनरल को भी आप कैसे इलेक्ट करोगे, वो भी उसी के अकॉर्डिंग करना है आपको, ईस्टेट के अकॉर्डिंग ही करना है। अब आते हैं हमारे इसी में इवेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहले हमारा लुई सोलवा का जो जन्म है वो हमारा कहाँ पर हुआ, उनकी जो लुई सोलवा ऑफ द बॉर्बन फैमिली वॉज द किंग ऑफ फ्रांस, वो कौन थे, बॉर्बन फैमिली के किंग थे। उनका जन्म कब हुआ, 1774 में। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज द डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेट, कितने डिवाइडमेंट बांट दिया गया था, ये वन मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे। फ्रेंच की सोसाइटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में, याद रखिएगा थ्री पार्ट। सेकंड द कैलर्गी एंड नोबेल्टी हैड द स्पेशल राइट्स, मैंने बताया था ना बर्थ राइट दिए गए थे उन्हें, मतलब स्पेशल। आपसे पूछेगा विच कम्युनिटी हैव टू स्पेशल राइट्स इन अ फ्रेंच, तो आपको बताना है नोबेल्टी और कैलर्गी। क्लियर है? द थर्ड स्टेट फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज द अनप्रिविलेज क्लास। ऑन 5th May 1789 लुइस सोलवा कॉल टुगेदर द मीटिंग स्टेट जनरल इम्पोज द न्यू टैक्स, और उन्होंने पहली बार 5 मई को ही क्या किया था, टैक्स इम्पोज किया था, और वो भी किससे लेते थे, बस ओनली थर्ड स्टेट से। द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड द 1% ऑन वोट, उनका मेन डिमांड क्या था, 1% ऑन वोट। किंग रिजेक्टेड द डिमांड, किंग ने क्या कर दिया, इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, और इससे क्या हुआ, उन्हें बहुत बड़ा ठेस पहुंचा, जिसकी वजह से उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। July 14 एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म ऑफ द वेस्टिले सिंबल ऑफ द ट्रिनी ऑफ द ओल्ड रैकमी एंड द डिस्ट्रॉयड इट, और जितनी भी जो ओल्ड पॉलिसी सारी चीज़ों को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। बोलते दिस ट्रिगर्ड
चेन ऑफ द रिवॉल्ट अक्रॉस द कंट्री फेस विद द पावर ऑफ रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट। और वो उन्होंने डिमांड रखी नेशनल असेंबली की, किसकी रखी? नेशनल असेंबली। 4 अगस्त 1789 में फेडरल सिस्टम ऑफ अबॉलिगेशन एंड द टैक्सेस वर द अबॉलिस्ड बाय द डिक्री। मतलब कि उस समय क्या किया गया, टैक्स को डिक्रीज कर दिया, मतलब लेगा नहीं, लिया नहीं जाएगा, अबॉलिश कर दिया। चर्च प्रॉपर्टी वर द कन्फिस्केटेड एंड क्लर्गी टू हैव टू द गिव अप टू द प्रिविलेज। और ये बात कही गई कि वहाँ पर जितने भी जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग हैं उसको क्या कर दिया जाएगा, अनप्रिविलेज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अनप्रिविलेज कर, मतलब उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए जाएंगे, उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। और वो टाइम आ ही गया जब उन्होंने रेवोल्यूशन किया, रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा बेनिफिट एडवांटेज मिला। नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बार फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब? 1791 में। एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर इन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। और उसी समय क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन भी बन गए, कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्टिव सिटीजन्स कौन कौन थे। तो एक्टिव सिटीजन्स जैसे कहा गया जो अबव 25 थे, जो 25 से अबव थे, और ओनली मैन ही कैन दे सकते थे वोट। देने का राइट बस उसी को होता था जो पे कर सकता था 3 डेज का लेबर वेजेस। अगर वो 3 दिन की कमाई अगर देगा तो ही वो वोट दे सकता था, अदरवाइज वो एक्टिव मेंबर नहीं माना जाएगा, एक्टिव सिटीजन्स नहीं माना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जितने भी जो प्रेजेंट्स थे उन्होंने एक पॉलिटिकल क्लब बनाया, रैलिंग पॉइंट द डिस्कशंस ऑन द गवर्नमेंटल पॉलिसीज, जैकोबिन क्लब। क्या नाम था उसका? तो जितने भी प्रेजेंट्स थे सभी ने क्या किया, वहाँ पर आकर अपने डिस्कशंस किए, क्या सही है नहीं है, पॉलिसी अच्छी है या नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, जैकोबिन क्लब बनाया। इसके अलावा द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब मेनली द बिलोंग द लेस प्रॉस्पिशियस सेक्शन, मतलब कि वो छोटी सोसाइटी से थे, मतलब जितने भी वो प्रेजेंट्स थे। तो कौन कौन से थे जैकोबिन क्लब के मेंबर्स? स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज द शू मेकर्स एंड वॉच मेकर्स, पेंटर्स एज वेल एज द सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर्स। ये सभी क्या थे, उसके जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। कौन? ये सभी लोग। क्लियर है ये? कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं, जब लुई 16 था तुम्हें पता है कौन थे, मोनार्ची रूल्स, दियर लीडर वॉज द मैक्सिमिलियन। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो भाई रूलर भी चेंज हो गए, तो वहां पर मोनार्ची रूल्स खत्म होकर क्या आ गया, रॉबेस्पियर का शासन आ गया। दे वर कॉल्ड टू द सेंस कल्टिस मीन्स ऑफ द विदाउट नी ऑफ ब्रिचिस। 10 अगस्त 1792 जैकोबिन प्लान एंड द इंश्योरेशन एंड द इम्प्रिजेंट एंड द रॉयल फैमिली। उन्होंने सोच लिया कि भाई बॉर्बन फैमिली को क्या किया जाएगा, प्रिजन में डाल दिया जाएगा, मतलब कि उसे जेल में डाल दिया जाएगा। 21 सितंबर 1792 डिक्लेयर द फ्रांस आ रिपब्लिक। अब आपसे ये क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस बिकम आ रिपब्लिक डैश 1792 और फ्रांस गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन 1791, ठीक है, याद रखना इस तरीके से, क्लियर है। और लुई 16 वॉज टू द सेंसेंट दैट टू द ऑन चार्ज ट्रीजन एंड द वॉज पब्लिकली एक्सक्यूट एंड द 21 जनवरी 1793 और 1793 में उसको फांसी। जैकोबिन क्लब लीडर रॉबेस्पियर, फिर जैकोबिन क्लब के लीडर कौन बन गए, कौन बने? रॉबेस्पियर, जिसका पूरा नाम क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर 1793 में। और इन्हीं को क्या कहा गया 1794 में, हिज रैग्मी वॉज नोन एज द रिजाइन ऑफ टेरर। क्या नाम दिया गया इसका? रिजाइन ऑफ टेरर नाम दिया गया इसका, किसको? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को। अब आते हैं जैकोबिन में, द फॉल ऑफ द जैकोबिन ऑलोड द वेल्दियर मिडिल क्लास इन द सीज द पावर रूल्ड द एग्जीक्यूटिव मेड अप द 5 मेंबर कॉल टू द डिक्टरी डायरेक्टरी। इसके अलावा मैक्सिमिलियन के जो रूल्स थे बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, लोगों से फॉलो नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने इतने हार्ड रूल बना दिए। तो फिर क्या किया उन्होंने भी, क्या कर दिया लोगों को, लोग उनसे क्या कर रहे हैं, अनहैप्पी होने लगे, उनको भी हटा दिया गया। फिर आते हैं इसी में हमारा एक और था, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। तो वो फ्रांस में जब आए किसके, मैक्सिमिलियन के जाने के
बाद, क्योंकि देखो सबसे पहले लुईस सोलवा थे, लुईस सोलवा के चले जाने, फांसी लग जाने के बाद 1793 में कौन आए, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और रोबेस्पियर 1793 से लेकर 1794 तक रहे। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू, किसमें हारे थे वो, वाटरलू में हार गए वो 1815 में, अभी आप 10वीं में पढ़ोगे ये वाला वाटरलू वाला। अब उसके बाद ये हमारी डेट दे रखी है कुछ इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन सब्सिक्वेंटली इवेंट्स थ्रो द आईज ऑफ डेट्स। अब कुछ देखो ये हमारा सबसे मेन चीज वर्ल्ड का मैप हमसे पूछेगा, तो ये फ्रांस का जो मैप है, फ्रांस के मैप में पेरिस हमारा जो है इधर टॉप में रहेगा, नेटिस और बॉडेक्स्यू और मर्सलेज, क्लियर है ये, तो ये आपको करवाया भी था ये मैंने, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर हमारा क्लियर है, इसमें से अगर किसी को डाउट है तो